पे फोटोज दिखा दूंगी कि इस टाइप के मुझे एक्ने आ गए थे, बहुत ज्यादा थे और बहुत ही बैड टाइम था। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम श्रद्धा। सो आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ कि मैंने अपने एक्ने स्कार्स को कैसे ठीक किया, मैंने कौन सी ट्रीटमेंट करी और पूरा मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। आप में से बहुत लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया था कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ, सो आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू सी देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। जो मुझे पिंपल्स आए थे ना, वो लॉकडाउन के टाइम पे आए थे और सीवियर एक्ने की प्रॉब्लम हुई थी मुझे। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी और आप मेरे चैनल पर नए हो तो आपके लिए मैं यहाँ पे फोटोज दिखा दूंगी कि इस टाइप के मुझे एक्ने आ गए थे, बहुत ज्यादा थे और बहुत ही बैड टाइम था वो मेरे लाइफ का, जिसे मैं कभी भी भूल नहीं सकती। वो जब एक्ने पूरे क्लियर हो गए उसके बाद में मेरे फेस पे बहुत ज्यादा रेडनेस हो गई थी और जो स्कार से गड्ढे होते हैं वैसे टाइप के स्कार्स मेरे फेस पे हो गए थे। तो जब मेरे लॉकडाउन के टाइम पे जब मुझे सीवियर एक्ने हो गए थे, वो एक्ने पूरे क्लियर होने के लिए 2 to 3 months लगाया था। उसके बाद में सिर्फ पिंपल चले गए थे, बाद में बहुत ज्यादा रेडनेस थी, बहुत ज्यादा, और स्कार्स तो मतलब बहुत ज्यादा स्कार्स हो गए थे। मेरे पूरे चिक्स एरिया पे स्कार्स थे, यहाँ से लेके पूरे चिक्स एरिया में स्कार्स थे और वो भी बहुत ज्यादा डीप गड्ढे होते हैं ना, उस टाइप के थे। यहाँ पे मैं फोटोज दिखा दूंगी, कुछ इस टाइप के स्कार्स थे। जब मेरे पिंपल्स क्लियर हो गए ना, तो उसके बाद में मेरे डर्मेट ने मुझे बोला कि अभी स्कार्स के लिए मैं ट्रीटमेंट लू, तो उसके लिए मैंने केमिकल पीलिंग की थी। मतलब मुझे डर्मेट ने ही रिकमेंड किया था कि मैं केमिकल पीलिंग करूँ, तो वो मैंने 5 to 6 पीलिंग के सेटिंग लिए थे, बट उससे इतना था मुझे डिफरेंट नहीं दिखा। सिर्फ मुझे थोड़े बहुत जो मेरे डार्क स्पॉट थे ना वो फेड हो रहे थे ऐसे लग रहा था, बट ज्यादा मुझे कुछ इतना डिफरेंट नहीं लगा। उसके बाद में मेरे डर्मेट को मैंने पूछा कि जो गड्ढे हो गए, जो स्कार्स है मेरे फेस पे, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट है, तो उन्होंने मुझे डर्मा रोलर की ट्रीटमेंट रिकमेंड की थी। उसके भी मैंने 4 to 5 सेटिंग्स लिए और पर सेटिंग का कॉस्ट था 3500 या 4000 कुछ कॉस्ट था पर सेटिंग, और उसके मैंने 4 सेटिंग्स लिए, 4 to 5 सेटिंग्स। तो अगर आपको पता नहीं होगा कि डर्मा रोलिंग क्या होती है, डर्मा रोलर ट्रीटमेंट क्या होती है, तो वो स्पेशली हमारे स्किन में कोलाजन बूस्ट करने के लिए यूज करी जाती है, और ये आपको घर पे बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है। आपको एक स्पेशलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट या फिर डर्मेट के पास जाकर इस ट्रीटमेंट को लेना है। आपको मैं जो सिखाती हूँ किस टाइप का रोलर वो आप के फेस पे यूज करते हैं, इस टाइप के ऐसे छोटे छोटे नीडल्स होते हैं, इसे कैन सी, तो इसे ना वो आपके फेस पे यूज करते हैं और इसका एक तरीका होता है यूज करने का, तो इसलिए आपको इस टाइप के टूल्स घर पे बिल्कुल भी यूज नहीं करने हैं, आपको अच्छे डर्मेट के पास जाना है। सबके माइंड में तो एक क्वेश्चन होगा कि इस टाइप का ये नीडल्स यूज करे जाते हैं फेस पे, तो उससे पेन भी होता होगा, तो नहीं होता पेन इतना ज्यादा, तो मुझे नहीं लगा, मतलब थोड़ा सा होता है बट ज्यादा नहीं होता, क्योंकि ये यूज करने से पहले 1 hour बिफोर वो आपके फेस पे क्रीम यूज करते हैं जो पूरे आपके फेस को नम कर देते। तो फर्स्ट सेटिंग जब मैंने इसकी ली तब मुझे इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा मेरे फेस पर, ट्रस्ट मी, मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि कुछ मेरे स्कार्स में डिफरेंट हो गया है। तो मैंने मेरे डर्मेट को पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि एक सेटिंग से नहीं होता है, 2-3 सेटिंग्स आपको और भी लेनी होती है। एक तरह से आपके फेस को मतलब इंजर्ड करता है और फिर वो अपने आप हील होती है, आपकी स्किन जो कोलाजन बूस्ट होता है उससे हील होती है, तो इसलिए वो जो स्कार्स होते हैं ना वो भर जाते हैं, अपने आप जो गड्ढे होते हैं वो भर जाते हैं, तो इसलिए ये डर्मा रोलर की ट्रीटमेंट यूज करी जाती है। मुझे ज्यादा मतलब इतना ज्यादा डिटेल में इसके बारे में नहीं पता है, बट तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगी कि डर्मा रोलर का बेनिफिट क्या होता है। जितना मुझे पता है, जितना मुझे मेरे डर्मेट ने बताया था, मैं वो आपको बता रही हूँ। तो ट्रीटमेंट के बाद में आपका फेस कुछ इस टाइप का हो जाता है, पूरा फेस रेड होता है और ये 4 to 5 days के लिए ऐसी स्किन होती है, उसके बाद में वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है। तो इस 4 to 5 days में आपको बहुत अच्छे से केयर करनी है आपके फेस की, आपको मॉइस्चराइजर यूज करना है और डर्मेटिक क्रीम भी देते हैं जिससे जो बैक्टीरिया होता है हमारे फेस में ना वो निकल जाए, इसलिए वो क्रीम भी देते, उसको भी आपको यूज करना है। ना मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है डर्मा रोलर के ट्रीटमेंट के साथ में, वो इतना ज्यादा भी मुझे मतलब मैं इतनी ज्यादा भी हैप्पी नहीं हूँ उस रिजल्ट के साथ में। मैंने 4 to 5 सेटिंग्स लिए और उसमें मुझे ऑलमोस्ट बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए था, बट मुझे सिर्फ 30 to 40% ही रिजल्ट मिला है। मेरे जो स्कार्स है वो अभी भी है, इस एरिया में अभी भी थोड़े बहुत स्कार्स है, यहाँ पे क्लिप भी डाल दूंगी कि अभी भी मेरे फेस पे कुछ इस टाइप के स्कार्स है। मैं जब लास्ट टाइम गई थी डर्मा रोलर के लिए डॉक्टर के पास में, तो उस ट्रीटमेंट के बाद में मैंने फिर से नोटिस किया कि इतना ज्यादा मुझे डिफरेंट नहीं लग रहा है और पैसे भी वेस्ट हो रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि अभी
ट्रीटमेंट को रोक देने, अभी मुझे नहीं करना है ट्रीटमेंट। तो फिर मैंने ट्रीटमेंट रोक दी, मैंने कोई उसके बाद में सेटिंग नहीं ली और इवन मैंने डॉक्टर के पास भी जाना बंद कर दिया। ट्रस्ट मी, जब मैं डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट ले रही थी ना, मेरी स्किन अच्छी थी, बट जो अब मैं स्किन देख रही हूँ ना मेरी, वैसे वो बिल्कुल भी नहीं थी। तो मैंने खुद से अपनी स्किन को ठीक किया। मुझे कमेंट आते हैं कि इसने अपनी स्किन डॉक्टर के पास जाके ठीक की है बट ये होम रेमेडीज बता रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे जो पिम्पल्स थे वो डरमेट के पास जाकर ही क्लियर है, क्योंकि वो इतने ज्यादा थे जो मैं घर पर नहीं कर सकती थी, तो वो डरमेट के पास जाकर ही ठीक हुए। मेरे स्कार जो थे वो 30-40% डरमेट के पास जाकर ही ठीक हुए। उसके बाद में भी मुझे छोटे छोटे जो एक्ने होते, छोटे छोटे दाने होते थे ना, वो मेरे फॉरहेड पे आते ही रहते थे, फेस पे भी आते थे, पिंपल्स भी मुझे आते थे। तो वो जो है वो जो प्रॉब्लम्स है वो मैंने खुद से ठीक की है। एक्ने स्कार्स के लिए, गड्ढों के लिए ना और भी ट्रीटमेंट होती है, माइक्रो नीडलिंग और कौन सी लेजर ट्रीटमेंट होती है, CO2 फ्रैक्शनल ट्रीटमेंट ऐसे कुछ नाम है उसका, वो लेजर ट्रीटमेंट भी काफी बेनिफिशियल है। और मैंने सोचा था कि उस ट्रीटमेंट के लिए मैं जाऊँ, बट उसकी मैंने कॉस्ट देखी तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। मतलब उसकी पर सेटिंग कॉस्ट थी 10,000 रुपीज। मतलब हमारे जैसे मिडिल क्लास के लिए एक सेटिंग के ऊपर 10,000 खर्चा करना, मतलब थोड़ा सा सोच कर करना पड़ता है, तो इसलिए मैंने वो भी फिर छोड़ दिया। मैंने सोचा कि बाद में इन फ्यूचर में जरूर उस ट्रीटमेंट को लूंगी एक बार, तो क्योंकि मुझे अपने स्कार्स को ठीक करना है। जब भी मैं उस ट्रीटमेंट को लूंगी मैं उसका पूरा डिटेल में वीडियो भी बनाऊंगी और आपके साथ भी शेयर करूंगी, बट अभी मैं वो ट्रीटमेंट नहीं लेने वाली हूँ और ना मैं माइक्रो नीडलिंग के लिए जाने वाली हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे डर्मारोलोल ने इतना ज्यादा रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं दिया, मुझे सिर्फ 40 या 30% ही रिजल्ट क्यों मिला, वो मुझे नहीं पता है। बट अगर आपको भी है ना, तो आप डर्मा रोलर को ट्राई कर सकते हो, बट अच्छे स्पेशलिस्ट के पास जाकर करना, घर पे बिल्कुल भी मत करना। मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी कि लोग घर पे भी करते हैं, बट वो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इसको यूज करने का एक तरीका होता है जो सिर्फ डर्मेट को पता है, अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट को पता है, तो वो आप घर पे बिल्कुल भी ट्राई मत करना। इससे क्या हो सकता है, आपकी स्किन और भी ज्यादा डैमेज हो सकती है या फिर परमानेंट स्कार हो सकते हैं आपके फेस पे। तो अबाउट केमिकल पील, तो उसमें भी डिफरेंट टाइप के केमिकल पील होते हैं। मैंने की थी, उसका नाम अभी मुझे याद नहीं, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी, तो वो वाले मैंने केमिकल पील ली थी और मुझे उसका इतना ज्यादा रिजल्ट नहीं मिला। तो केमिकल पील के बारे में भी सेम मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखा मेरे स्किन पर। तो आप जो केमिकल पील ले रहे हो उसको लेने से पहले आप अपने डर्मेट को पूछो कि इसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा और ये कैसा वर्क करेगा, इसकी पूरी प्रोसेस क्या होगी, क्योंकि डिफरेंट टाइप के केमिकल पील होते हैं। कुछ केमिकल पील में आपकी स्किन की पीलिंग भी होती है, बट मेरे लिए वैसा कुछ नहीं हुआ था, तो मेरी स्किन नॉर्मली रहती थी, सिर्फ ड्राई हो जाती थी बस, बाकी कुछ ऐसे पीलिंग नहीं हुई थी। अबाउट डर्मा रोलर, तो अगर आपको बहुत नॉर्मल स्कार्स है, नॉर्मल और डार्क स्पॉट है, पिगमेंटेशन है, तो उसके लिए आप डर्मा रोलर ले सकते हो। अगर मेरे डीप स्कार्स है तब भी मुझे उसका अगर 30-40% रिजल्ट मिला है, तो अगर आपके नॉर्मल स्कार्स है तो आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, 80-90% ऐसा रिजल्ट मिलेगा। तो आप डर्मा रोलर को दो सेटिंग तो आपको लेनी पड़ेगी, एक सेटिंग में आपको इतना ज्यादा डिफरेंट नहीं लगेगा, तो दो सेटिंग लेकर आप देख सकते हो आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, नहीं तो आप फिर लेजर ट्रीटमेंट के ऊपर जा सकते हो। डीप स्कार्स होते हैं, बॉक्स टाइप में कुछ स्कार्स होते हैं, पीटी स्कार्स होते हैं, ऐसे डिफरेंट टाइप के नाम है, बट मुझे भी बहुत ज्यादा डीप स्कार्स है, वो 30-40% हील हो गए, अभी भी स्कार्स है, बट पहले यहां से स्कार्स थे मेरे पूरे, जब मेरे पिंपल्स चले गए थे तब, बट अभी मुझे सिर्फ इस एरिया में स्कार्स है थोड़े बहुत, और ये वाला एक्ने स्कार रह गया। अभी आपको यहाँ पे थोड़े बहुत स्कार दिख, लाइक मैं ऐसे करूंगी फेस तो आपको देखेंगे यहाँ पे स्कार्स है, ऐसे करूंगी तो इतने ज्यादा नोटिस नहीं होंगे। तो ये वाले जो स्कार्स हैं वो पहले बहुत ज्यादा दिखते थे, अभी इतने ज्यादा नहीं है। तो आप डर्मा रोलर की दो सेटिंग तो ले सकते हो, उससे आप देख सकते हो आपको डिफरेंट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो अगर आपको कोई डिफरेंट नहीं दिख रहा है ना, तो उसके बाद में सेटिंग लेने मत जाओ, क्योंकि पैसे वेस्ट हो जाएंगे। और आप में से बहुत लोग मुझे बोलते हैं कमेंट में कि जिस डर्मेट के पास मैंने ट्रीटमेंट लिया मैं उनका आपको कॉन्टैक्ट नंबर दूं, तो मैंने एक वीडियो में उनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया था, बट उन्होंने मुझे मैसेज करा है कि मैं ऐसे ना करूं। मैसेज मतलब उन्होंने कमेंट करके बताया था, जो कमेंट मैंने डिलीट कर दी, तो उन्होंने कमेंट करके बताया था कि मैं उनका कांटेक्ट ना दूं। शायद लोगों ने उनको बहुत ज्यादा कांटेक्ट किया था, फिर मैंने
उनका वो कॉन्टेक्ट अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से निकाल दिया। जब मुझे स्कार्स हो गए थे ना तो मैं बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील करते थे, मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था और बहुत ज्यादा मुझे बुरा लगता था इस चीज के कि मेरे फेस पे स्कार्स है। तो उसके लिए मैं ना मास्क लगा के घूमती थी, हर जगह मैं मास्क लगाती थी, हर जगह जहाँ पे भीड़ नहीं है, जहाँ पे क्राउड नहीं है वहां पे भी मैं मास्क लगा के रहती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था जो स्कार्स है ना वो नोटिस हो रहे हैं। सो इसलिए मैं मास्क लगा के रहती थी। फिर मैंने धीरे धीरे उस चीज को एक्सेप्ट किया कि स्कार्स और स्किन टेक्सचर होना बहुत नॉर्मल है, ये सबके साथ होता है, एक्ट्रेस के साथ में भी होता है, उनको भी पिंपल्स आते हैं, उनका भी स्किन टेक्सचर होता है, तो ये सबके साथ होता है। जब मैंने अपने माइंड में उसको नॉर्मल लेना स्टार्ट कर दिया तो अभी मैं बिल्कुल भी मास्क नहीं लगाती हूँ, एक्ने स्कार को छुपाने के लिए मास्क बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ और बिना मेकअप के भी मैं बाहर जा सकती हूँ। तो इतना ज्यादा मैंने अपने माइंड में वो बिठा लिया है। आप अगर किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचोगे, बहुत ज्यादा बुरा फील करोगे ना, तो आपको और भी वो चीज बुरा फील करवाएगी और भी ज्यादा आपके दिमाग में वो बैठ जाएगी। इसलिए मैं जब स्कार्स के बारे में बुरा फील करती थी इसलिए मुझे और भी ज्यादा बुरा लगता था, इनको भी अभी जाना होता है तो मुझे और भी ज्यादा बुरा लगता था। फिर मैंने जब अपने माइंड में उसको बिठा लिया कि ये बहुत नॉर्मल है तो अभी मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई मेरे स्कार्स को देख भी रहा है ना, कोई बोल रहा है ना स्कार्स है ये मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। सो या गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सो ये था मेरा स्कार्स का जर्नी, स्कार के ट्रीटमेंट के बारे में। सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल रही तो इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना जिनको भी पिंपल्स एक्ने स्कार्स की प्रॉब्लम है, उनके लिए वीडियो हेल्पफुल हो जाएगी। और भी ऐसे स्किन केयर और रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।